न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुंबई आतंकी हमले के 10वीं बरसी पर बोले प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, कहा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश में आतंकवाद पर पूरा नियंत्रण। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक समय से पूरा करने के दिए निर्देश, कहा टीम भावना के साथ काम करें सभी अधिकारी। मिजलस रोबेला के खात्मे के लिए सोमवार से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान, MLA और DM ने फीता काट कर किया अभियान का शुभारंभ, कहा अपने बच्चों को अवश्य लगवाएं टीका। गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोली चलने की सूचना से मची हड़कंप, मौके पर पहुंचे चीफ प्रॉक्टर ने कहा नहीं मिला कोई संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु। प्रभारी मंत्री ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को दिया भारत के प्रधानमंत्री का संदेश पत्र, कहा अब कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में मरेगा नहीं, होगा 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारतीय संविधान में विधिक सहायता का अधिकार विषय पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित हुई संगोष्ठी। जिले के प्रभारी मंत्री ने किया धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के गणित और सांख्यिकी विभाग में चल रही राष्ट्रीय संगोष्ठी में कर्नाटक से आए प्रोफेसर SK नरसिन्हा मूर्ति ने दिए अपने व्याख्यान, छात्रों को मैथमेटिक्स सॉल्व करने के दिए टिप्स। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बोले जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा गोरखपुर में उद्योग लगाने के लिए बेहतर माहौल यहां उपलब्ध है, सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी और कनेक्टिविटी। 2 मिनट का मौन रखकर मृत चालक को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, मौजूद रहे नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, बंद रहे सभी कार्यालय। संविधान दिवस पर विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्रों ने निकाली जन जागरूकता रैली, किया नाट्य मंचन, विभाग के डीन ने कहा देश के लिए सर्वोपरि है संविधान। संविधान दिवस के अवसर पर मौलिक अधिकार पार्टी ने निकाला पदयात्रा, जनता में बांटा संविधान संबंधित पोस्टर। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने बैठकर मनाया भारतीय संविधान दिवस, दिया भारतीय संविधान के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी। और गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू हुआ अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग उद्घाटन मैच में महाराजगंज ने देवरिया को 2 विकेट से हराया।